आज मॉर्निंग में करीब 6 बजे के आसपास थाना चौपन में एक घटना हुई है। वहाँ के एक जो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं इम्तियाज़ अहमद, उनकी अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इसमें 4 से 5 अज्ञात व्यक्ति शामिल होने की आशंका है। हम लोग को जो तहरीर मिली है उसके आधार पे हमने FIR रजिस्टर कर ली है 302 में, और इसमें 2 लोग नामजद है और 4 लोग अज्ञात हैं। तो परिवारजनों की तरफ से जो तहरीर मिली है उसको हमने एज इट इज़ हमने उसको FIR में तरमीम कर दिया है। एक व्यक्ति जो इस घटना में शामिल था, एक व्यक्ति को पुलिस और वहाँ के लोकल लोगों ने घेर के उसको पकड़ लिया था और गांव के लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। तो पुलिस द्वारा उसको फिर बनारस में उसका इलाज कराया गया है और उसको हम तत्काल हम जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज होगा तो गिरफ्तार करके उससे भी पूछताछ करेंगे। उससे हमें एक कंट्री मेड असला भी मिला है, कार्बाइन, और कुछ लाइव राउंड मिले हैं। घटनास्थल से 4 खोखे मिले हुए हैं। कुछ CCTV फुटेज हमारे पास है, हालांकि बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें 4 से 5 लोगों के होने की बात पता चल रही है। इस घटना के तार जो है वो बिहार और झारखंड से जुड़े हुए हैं। तो अभी आज ही मैंने 2 टीम का गठन कर दिया है और दोनों ही टीम दोनों जगह पे जाके बिहार और झारखंड जाके आगे इंक्वायरी करेगी और इस घटना में जो भी आगे शामिल पाया जाएगा उन लोग को हम लोग गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।